Forget to like this video and also share with your friends. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज व्यूअर्स आपके साथ में एक बहुत ही खूबसूरत गले का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले व्यूअर्स मैंने ये कार्डबोर्ड ले लिया है रेक्टेंगल शेप में, और अब मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। इसकी लंबाई है 1 इंच और इसकी चौड़ाई है 1/2 इंच से तकरीबन 2 पॉइंट ज़्यादा। अब मैं गले की लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ आपको। गले की चौड़ाई मैंने रखी है 3.5 इंच। एक निशान में लेड पेंसिल से 3.5 इंच पे लगाऊंगी और उसके बाद मैं एक निशान लगाऊंगी 5 इंच पे, यहाँ से 5 इंच पे, और एक निशान में लगाऊंगी लंबाई की तरफ 6 इंच पे, और दूसरा निशान में लगाऊंगी 7.5 इंच पे। अब मैं इस निशान को इस निशान के साथ मिला लूंगी। और इस निशान को इस निशान के साथ मिला लूंगी। और इस तरह से इसके दरमियान की चौड़ाई 1.5 इंच होनी चाहिए। अब तकरीबन 1 इंच में यहाँ से छोड़ दूंगी और इस पे निशान लगा दूंगी, क्योंकि इसमें से 1/2 इंच गले की सिलाई में चला जाएगा। अब जहाँ हमने 1 इंच का निशान लगाया था, वहाँ से हम कार्डबोर्ड को रख के निशान लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं इस लाइन को कटिंग कर लूंगी और अब मैं इसको कटिंग कर लूंगी। अब इस तरह से एक मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लूंगी इस तरह डबल फोल्ड करके, और उसको मैंने प्रेस कर लिया और उसके सेंटर में मैं छोटा सा कट लगा लूंगी, और एक कट का निशान मैं 3.5 इंच पे यहाँ पे लगा लूँगी। और अब इस तरह कट के साथ हमने दोनों तरफ से गले को इक्वल करके सेट कर लेना है। अब मैं इसको प्रेस कर लूँगी। मैं 1/2 इंच का मार्जिन रख के यहाँ से कटिंग कर लूँगी। मैं इसके ऊपर साइड से सिलाई लगा लूँगी। अब मैं इसके ऊपर पिन्ने लगा लूंगी। अब मैं बुकरम के बिल्कुल साथ साथ से सिलाई लगा लूंगी। और अब मैं बुकरम के बिल्कुल साथ साथ से कटिंग कर लूंगी। मैंने गला तैयार कर लिया है और उसको हैंड स्टिच भी कर लिया है। अब मैं इसमें मोती लगाऊंगी। तो अब मैं इस कॉर्नर से मोती लगाना शुरू कर दूंगी।
हो चुका है, तो आप देखें कितना एलिगेंट सा डिज़ाइन लग रहा है और बिल्कुल डिफरेंट सा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये नेक डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।